नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज स्पेशल बुलेटिन फॉर बहुजन कम्युनिटी के एक और एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन खबरों की जिन्हें मनवादी मीडिया द्वारा छापने की जगह छिपाया जाता है या फिर तोड़ मरोड़ के अपने आकाओं को फायदा पहुंचाने के हिसाब से बताया या दिखाया जाता है। इसलिए हम अपने इस प्रोग्राम में देश विदेश की सभी बड़ी प्रमुख खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं जो आपके लिए बेहद जानना जरूरी होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक आपसे निवेदन है छोटा सा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य और बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। पूरे देश से लगातार अनुसूचित जात जनजात के लोगों के साथ भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक आदिवासी युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक के परिजनों द्वारा रिश्वत के 8,000 रुपए नहीं दिए जाने पर पुलिस द्वारा उस युवक को इतना पीटा जाता है कि पुलिस की पिटाई से युवक की जान तक चली जाती है और उसकी खाल उदड़ जाती है। हम YouTube पॉलिसी के तहत आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यह वीडियो आपको विचलित कर सकता है, केवल हम इसका फुटेज दिखा रहे हैं वो भी ब्लर करके। अब देखिए सिवराय मामा की पुलिस किस प्रकार से डकैती की योजना बनाने के नाम पर 19 वर्षीय आदिवासी युवक अर्जुन सिंगारे को शुक्रवार 2 सितंबर को हिरासत में लिया था, लेकिन उसके अगले ही दिन शनिवार यानी 3 सितंबर को पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हो जाती है। परिजनों का कहना है पुलिस की हिरासत में अर्जुन बेरहमी से मारा गया जिसके कारण उसकी मौत हुई। पानी पिलवाया इसको, फिर वहीं से मारते मारते लाए और 3 बजे हम फिक्सर थाने पे थे। जब मैंने वहां जाकर मिला, मैंने कहा मेरे से मिला दो, मोटे आई को बोला मेरे से मिला दो मेरे बच्चे को। तो वहीं मैं मिलने गई तो मेरे सामने ऐसा कलम खड़ा करके उसको पकड़ाया, पीछे से भपा भप भपा भप दिए। अम्मा जब तक तू खड़ी रहे, जब तक बोले कि इसको मारते ही रहेंगे मारते ही रहेंगे। फिक्स में 3 मार रहे थे, क्या नाम है मालूम है? अरे क्या बताया उनको, हाँ पुलिस वाला वो थाने पे जो लिखा पढ़ी करता रिपोर्ट डालता है। अरे अरे कई नाम बताया तो भाई, मगर नाम हाँ बातें पे रखी थी नहीं, हाँ न। इसके बाद मैं घर पर गई, घर पर जाने के बाद में अगली खबर भी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से आई है। इस खबर ने भी मानवता को शर्मसार कर सबको झकझोर दिया है। सीहोर के हाशिम खान की नदी में डूब जाने से मौत हो जाती है। परिजनों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी परिजनों को सब वाहन या एम्बुलेंस नहीं मिलती है और मजबूरन लाश को बाइक पर ही ले जाना पड़ता है। ये तस्वीर कितनी ही शर्मनाक है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। टीवी और अखबार दो उद्योगपतियों के हैं। यह दो उद्योगपति मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और मोदी जी इनके लिए काम करते हैं। ये मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों का मीडिया है। पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों के हाथ में है तो सच्चाई कैसे दिखेगी, सच्चाई कैसे सुनाई देगी? और जनता को सब मालूम है। जनता घर में टीवी ऑन करती है और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। टीवी दो उद्योगपतियों का है, अखबार दो उद्योगपतियों के हैं और ये दो उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में भव्य रैली का आयोजन किया जिसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1,050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22
रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, मुझे ईडी ने 55 घंटे बिठाया लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो देश नहीं बचेगा, क्योंकि ये देश संविधान है, ये देश इस देश की जनता की आवाज है, यह देश इस देश की जनता का भविष्य है, यह देश दो उद्योगपतियों का नहीं है। राजस्थान के एक और स्कूल में एक बार फिर से दलित बच्चों के साथ भेदभाव। दलित छात्रों द्वारा खाना परोसने पर रसोईया ने फिकवाया खाना। मामला उदयपुर के गोंगदा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का है, जहां खाने के समय मेघवाल जात की दो लड़कियों के सभी को दाल परोसने पर स्कूल के कुक ने आपत्ति जताई। इसके बाद दाल और गुंदे हुए आटे को भी फिकवा दिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने स्कूल के कुक लालूराम गुर्जर का गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गोंगदा के इस स्कूल में खाना बनाने वाला कुक लालूराम गुर्जर रोजाना कुछ चुने हुए बच्चों को खाना परोसने के लिए कहता है, लेकिन इस बार जब स्कूल की छात्रा डिंपल मेघवाल और नीमा मेघवाल ने सभी बच्चों को दाल परोसी तो कुक को ये नागवार गुजरा। दलित छात्रा का कहना है कि स्कूल में भोजन के समय पर उन्होंने खाना खा रहे सभी बच्चों को दाल परोसी तो कुक लालूराम गुर्जर ने इस पर नाराजगी व्यक्त की। लालूराम ने दोनों के साथ गाली गलौज भी की और फिर दूसरी जात के सभी छात्राओं से कहा, ये नीची जात की है, इनके छुए हुए खाने का क्यों खा रहे हो, फेंक दो। अगली खबर बिहार से। लालू प्रसाद को चारा घोटाला में सजा सुनाने वाले 64 वर्ष के जज ने भाजपा नेत्री से रचाई शादी। जज 64 वर्ष के जज निशिषपाल सिंह ने 50 वर्ष की अपनी प्रेमिका नूतन तिवारी संग विवाह रचा लिया। नूतन पेशे से वकील के साथ साथ भाजपा संगठन से भी जुड़ी हुई है। तो वहीं जज साहब अपने जीवन में कई अहम फैसले सुना चुके हैं, उसी में एक महत्वपूर्ण फैसला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से जुड़ा हुआ है, जिसमें चारा घोटाला के केस में जज शिवपाल सिंह ने ही फैसला सुनाया था। इसी की सजा लालू काट रहे हैं, फिलहाल जमानत पर अभी बाहर हैं। स्वास्थ्य कारणों से कई दिनों तक अस्पताल से भी बाहर रहे हैं। लालू इसी केस में उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर रिहाई की गुहार भी लगा चुके हैं, जिसे खारिज कर दिया गया है। कुछ भी हो, इस शादी से पूरे जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश का ध्यान जा रहा है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और प्रमुख खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी थी। पूरे देश में दलित आदिवासियों के साथ जातवाद और शोषण की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि देश की मोदी सरकार और तमाम राज्यों की सरकारों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। लगता है सरकार में बैठे सत्ता के भूखे भेड़ियों को अत्याचार करने वाले जातवादी गुंडों का खुला समर्थन है। अगर खुला समर्थन है तो अब ये जातवादी गुंडे भी कान खोल कर सुन लें। अब बहुजन समाज जाग चुका है, बहुजन समाज जाग रहा है। इन अपराधों का खामियाजा भुगतने के लिए सरकार तैयार हो जाए। अब वो दिन दूर नहीं, ये सदियों से शोषित पिछड़ा समाज अपने अधिकारों के लिए न जाने कब सड़कों पर उतर जाए और अपने लिए न्याय की मांग करने लगे। ये स्कूल में खाना परोसने का जो मामला है, ये इसी की प्रतिक्रिया है। ये साहस की बात है, कितनी हिम्मत की बात है। इन बेटियों को, ये जो दोनों बेटियां हैं नीमा मेघवाल और उनकी बहन, इन्हें बिल्कुल सम्मान देना चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने बिना डरे बिना दम के खाना परोसने की हिम्मत की, वरना हमारे चापलूस नेताओं और चापलूसी अधिकारियों में जूते चाटने से फुर्सत नहीं है। वो किस प्रकार से सरकार के तलवे चाटने में व्यस्त हैं, उन्हें समाज से लेना देना नहीं है। लेकिन ये जाबाज दो बेटियां, राजस्थान की बेटियां, इन पर समाज को गर्व होना चाहिए कि बिना किसी भय और संकोच के स्कूल में खाना परोसने का ये साहसी काम किया है। निश्चित तौर पर ये बधाई के पात्र हैं। और आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जो शिवराज मामा कहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश विकास कर रहा है, सभी मेरे भांजे भांजी हैं। मैं मामा जी से पूछना चाहूंगा कि आप जिंदे भांजे और भांजियों के लिए क्या काम करेंगे। एक जब युवक तालाब में डूब जाता है तो उसके लिए आपके प्रशासन एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करा सकती है। ये कैसा विकास है? क्या यही विकास है? आदिवासी युवक की पुलिस द्वारा, आपकी पुलिस द्वारा, शिवराज मामा की पुलिस द्वारा 8,000 रुपए रिश्वत के नाम पर, मतलब जो युवक की हत्या की गई उसके परिजन से 8,000 रुपए की रिश्वत थाने से छोड़ने के लिए मांगने जाते हैं, लेकिन जब
परिजनों द्वारा 8,000 रुपए रिश्वत के नहीं दिए जाते हैं तो आपकी पुलिस द्वारा इतनी पिटाई की जाती है कि उस युवक को जान, इसकी कीमत जान गवा कर देनी पड़ती है। तो ये कैसा विकास है शिवराज सिंह मामा जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं और तमाम प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है, क्या यही आपका विकास है? तो साथियों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। और आपसे एक छोटा सा पुनः फिर निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।